हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप भी लोग जॉब करते हो और आपको हर महीने जॉब के दौरान पैसा सैलरी खत्म होने के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर फ्रेंड्स आपके मान लो 20,000 रुपये सैलरी है और आपकी महीने के 20 दिन बाद ही, 30 दिन का महीना होता है तो 20 दिन बाद ही आपकी सैलरी अगर खत्म हो जाती है आपको पैसे मांगने जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये एप्लीकेशन आपको एक दिन के अंदर मैक्सिमम, वैसे तो आपको एक घंटे के अंदर मिल जाएगा पर मैक्सिमम एक दिन के अंदर ये आपको लोन देगा आपकी सैलरी पे, सैलरी बेस अकाउंट पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना और पूरी कंडीशन में आपको बता दूंगा फ्रेंड्स, एक एक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट, कैसे आपको एक दिन के अंदर लोन लेना है, क्यों आपको मिलेगा, मतलब कंप्लीट मैं डिटेल आपको बता दूंगा और गारंटी देता हूँ लिख के कि आपको इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वेबसाइट का नाम है earlysalary.com, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, earlysalary.com है और ये सिर्फ जो सैलरी पे जॉब करते हो जिनकी 20,000 रुपये मिनिमम सैलरी उनके लिए है। ठीक है, तो ये आपका, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स इसके बाद आप मिनिमम 8,000 रुपये का और मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हो और आप ले सकते हो फ्रेंड्स 7 दिन के, मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 43 डेज के लिए। ठीक है, तो ये इनकी फैसिलिटी है और आप 1,000 के मल्टीपल में लोन ले सकते हो, मतलब 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 1,00,000 रुपये तक, तो ये इनकी फैसिलिटी है फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए और एटलीस्ट आपकी 20,000 सैलरी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लोन सिर्फ बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है लाइक पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली NCR, गुड़गांव, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, तो बड़े बड़े शहरों में आपको इजीली मिल जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी कोई पासपोर्ट साइज फोटो नहीं देनी, आपको अपने बेस्ट सेल्फी जो आपको लगती है अच्छी सेल्फी आपको अपलोड करनी है, आपको KYC के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसी की वजह से आपको लोन मिल जाएगा। और आपको अपने सैलरी अकाउंट की लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जो सैलरी अकाउंट है उसकी आपको अपलोड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, PDF फॉर्मेट में, और सैलरी अकाउंट का कैंसिल चेक और KYC डॉक्यूमेंट, ये बस आपको जस्ट देने और इसी की वजह पे आपका लोन एक दिन के अंदर मैक्सिमम मिल जाएगा और आपके सैलरी अकाउंट में 24 घंटे के अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स। वैसे तो 1-2 घंटे के अंदर आ जाता है पर मैक्सिमम 24 घंटे। और जैसे कि मैंने आपको बता दी कि 43 डेज मैक्सिमम दिन के लिए आपको लोन मिलेगा, तो अगर आप सेलेक्ट करते हो कि आज आप लोन लेके 43 डेज के बाद दोगे, तो अगर आप मान लो कि आप 10 दिन पहले लोन देना चाहते हो तो आप 10 दिन पहले भी ये लोन को पूरा कर सकते हो, जिसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। अगर आप किसी और बैंक से लोन लेते हो या पर्सनल लोन लेते हो तो वहाँ पे वो प्री पेमेंट करने के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, पर फिलहाल इनका रनिंग ऑफर में आपके यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे, आप पहले भी लोन को पूरा कर सकते हो। और पर जो उसका इंटरेस्ट है वो आपको पहले पे करना होगा और जो अमाउंट है वो आप जब आपका लोन खत्म होगा उस दिन आपके बैंक से डेबिट हो जाएगी। पर फ्यूचर में अगर आप अपने लोन को पहले पेमेंट करोगे, लोन के इंटरेस्ट की पहले पेमेंट करोगे, तो आपको ये फ्यूचर में 2% के चार्जेस लगाएंगे, पर फिलहाल के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की पेमेंट पहले कर सकते हो और जो आपकी लोन अमाउंट है वो आप 43 डेज पे, ताकि आपको इंटरेस्ट ना पड़े। मान लो आपने 43 डेज का लोन लिया तो 43वें दिन आप इनकी पेमेंट, अपने लोन की पेमेंट कर सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पड़े, इंटरेस्ट आप पहले पे कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के। एक टाइम पे आप एक ही लोन ले सकते हो, जब तक आपका पहला लोन खत्म नहीं होगा तब तक आप दूसरा लोन नहीं ले सकते फ्रेंड्स। और दूसरा लोन अगर लेना है जब आपका पहला लोन खत्म हो जाएगा उसके 5 दिन बाद आप दूसरा लोन ले सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस क्या पड़ेगी, अगर आपका लोन 10,000 से लेके 30,000 रुपये के बीच में है तो आपको पहले लोन पे 300 रुपये की प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी और दूसरे लोन पे 150 रुपये का, उसके बाद जितना लोन लोगे तो 150 रुपये की। पर अगर आपका लोन 30,000 से ऊपर है और 60,000 रुपये तक है तो आपको प्रोसेसिंग फीस 300 रुपये पहले लोन पे और उसके बाद आपको 250 रुपये दूसरे लोन पे और फिर आपको 250 रुपये हर लोन पे। पर अगर आपका लोन 60,000 से 1,00,000 तक है, मतलब 60,000 ऊपर से 1,00,000 तक है, तो आपको प्रोसेसिंग फीस जो पड़ेगी वो 1% ऑफ लोन अमाउंट। ठीक है, और दूसरी बार लोन लेते हो सेम अमाउंट का तो 300 रुपये और तीसरी बार 300 रुपये और जितनी बार लोगे 300 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको लेट पेमेंट चार्जेस पड़ेंगे मिनिमम 500 रुपये और 3%, जो भी आपका ज़्यादा होगा वो आपको पड़ेंगे, मिनिमम 500 तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस पड़ ही जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पड़ेगी 0.1% और मिनिमम 100 रुपये। ठीक है, ये भी इनके चार्जेस हैं। और इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर पड़ेगा 2.5% पर मंथ के हिसाब से और हर चीज़ पे आपको 18% की GST लगेगी फ्रेंड्स। बस आपको क्या करना, मैं आपको एक साइट दिखाऊंगा, अभी आपको लाइव लोन अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, वहाँ पे जाके आपको लाइव लोन अप्लाई करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएंगे, लोन एग्रीमेंट पे एक साइन करवा के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका लोन विदिन 24 आवर्स के अंदर आपके बैंक में आ जाएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप क्रेडिट कार्ड से इस लोन के अमाउंट की पेमेंट नहीं कर सकते, आप क्या करो या तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करो, नहीं तो आप ECS या NACH के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, हर जिस महीने की जैसे मान लो आपने कहा कि आपको मान लो एग्जांपल के आपको 1 जनवरी की लोन की पेमेंट करनी है, तो 1 जनवरी के दिन ये अपने आपके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप नेट बैंकिंग से भी प्री पेमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स।
और हाँ, अगर आपका सैलरी अकाउंट, मान लो कि आपने सैलरी अकाउंट बंद करवा दिया पुरानी कंपनी का, आप नया सैलरी अकाउंट खुलवाते, तो उसके लिए भी आपको कम से कम पिछली 1 महीने की इनको सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, और आपकी सैलरी उसमें क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो सैलरी उसमें क्रेडिट होगी तो आप सैलरी अकाउंट चेंज करवा के नया सैलरी अकाउंट भी वहाँ पे ऐड करवा सकते हो, अगर आपका पुराना वाला सैलरी अकाउंट बंद होता है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो आप इनको मेल कर सकते हो care@earlysalary.com, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो 8030077553, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लोन कैसे लेना है। मैं आपको वेबसाइट पे जा रहा हूँ, आप इनका अर्ली सैलरी नाम का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं आपको वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। वेबसाइट पे दिखाता हूँ आपको क्या लिंक खोलना और कैसे आपको लोन के लिए एप्लीकेशन डालनी है। चलिए फ्रेंड्स वेबसाइट की ओर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो, ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इनकी वेबसाइट के बारे में, ठीक है। ये आप देख रहे हो इनकी अर्ली सैलरी नाम की वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको बस सिंपल डिटेल भरनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, एज, सिलेक्टेड रेफर कोड अगर है तो भर देना, नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है सैलरी, सैलरी पे क्लिक करना, अपनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सैलरी भरनी, कितनी आपको सैलरी आती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी ये आई थिंक सिर्फ सैलरी वालों को लोन दे रहे हैं, धीरे धीरे अपने नया अभी बिल्कुल 1-1.5 साल इसको मार्केट में आएगा हुआ है, तो अभी आने वाले टाइम पे ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका अपना बिजनेस हो उनको भी लोन देंगे, उनके ITR देख के, बिजनेस बैकग्राउंड देख के, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप सैलरी पे तो इनको ले सकते हो, और जब बस आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट करना है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, बस आपको ऐसे करके लोन अप्रूव करवा लेना है अपना। और फ्रेंड्स आप ये सिटीज़ देख लो, सिर्फ इन सिटीज़ में आपको लोन मिल सकता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बस ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है यहीं पर मिल सकता है, ठीक है। चलो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, और यहाँ पर आप, मैं भर देता हूँ, आप मेरी 22000 सैलरी है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब मैं कर रहा हूँ, लोन अमाउंट 30,000 पे है ही ऑलरेडी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चंडीगढ़ मैंने भर दिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो प्रोसेसिंग लेके ही आगे बढ़ गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आ गया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स। आपको प्ले स्टोर पर जाकर अर्ली से ऐप को डाउनलोड करना है, और वहाँ पे आपको इजिली डाउनलोड करने के बाद आपको इजिली अपनी सेल्फी अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने है, और एग्जीक्यूटिव आपको फोन करके आपके घर पे आ जाएंगे, दैट्स इट। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करो फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग सैलरी पे काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।